हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीवन। बहुत सुंदर। आज की सभा कहां से शुरू की जाए, आप लोग को सुझाव दूं तो उन सुझावों में से शायद सभा का कोई पहलू खड़ा होगा, तो दीजिए सुझाव। सॉरी फ्रेंड, मेनी पीपल आर इंडियन, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस इन इंग्लिश। What do you enjoy? तो किसी मित्र का प्रश्न है। आती नहीं है लेकिन तुम जैसे ही बोलोगे हमें समझ आ जाएगी। बीइंग और हैविंग के बीच में जो हम लाइफ जी रहे हैं, तो बीइंग पे कैसे आया जाए हैविंग की तरफ से फोकस? हैबिट से हैविंग पाने की तरफ हमारी चाह ज्यादा रहती है, राइट, पूरा टाइम। तो बीइंग पे कैसे आया जाए मार्केट प्लेस में अच्छा बैठो। किन्हीं मित्र का ऐसा प्रश्न है कि अपने होने में बीच बाजार में कैसे रहा जाए, क्या युक्ति है कि होने में हम बने रहे और बाजार में भी बने रहे। थोड़ा कठिन है क्योंकि सीधे जो लोग बाजार में खड़े, अगर वो चाहें कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हें समझ बैठे तो जरा मुश्किल है, क्योंकि बाजार का एक नियम है कि हमारी कुछ होने की चाह है, जितनी गहरी होने की चाह होगी उतने बाजार में दौड़ होगी। तुम दौड़ोगे, भागोगे, पिटोगे, मरोगे, जो भी होगा, लेकिन दौड़ते रहोगे। ये परम नियम है बाजार का। बाजार दो तरह से होते हैं। एक बाजार आदमी का है महत्वाकांक्षा का। महत्वाकांक्षा के बाजार में ये सूत्र कभी भी किसी को हासिल नहीं हो सकता है। कितनी साधना करे आदमी, लेकिन होने की जो चाह है वो मिट नहीं सकती है बाजार में और बढ़ती है। कारण क्या है कि बाजार में आप जरूरत के लिए खड़े हैं या महत्वाकांक्षा के लिए खड़े, उस पर निर्भर करता है। कबीर का दोहा अगर आपको याद हो जाए तो फिर आप बाजार में बीइंग में खड़े रहेंगे और आपके अंदर होने की चाह नहीं रहे। कबीर कहता है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, और आप ना भूखा रह सके और साधु ना भूखा जाए। अब ऐसा आदमी अगर बाजार में खड़ा है तो उसे कुछ चाह नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे,
जरूरतें चींटी से लगा के हाथी तक की पूरी होती हैं, चींटी से लगा के हाथी तक की। अस्तित्वगत उनके अंदर ऐसा इंटेलिजेंस है चींटी के अंदर है कि चींटी अपनी पूर्ति कर लेती, हाथी के अंदर इंटेलिजेंस है हाथी अपनी पूरी कर लेता। जरूरत, वो जरूरत के साथ प्रत्येक मनुष्य के लिए परमात्मा ने जो मस्तिष्क दिया है वो बिल्कुल फ्रीली काम करता है, बड़ा तनाव नहीं देना पड़ता। चिंता महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ी है। अगर व्यापार में आपको चिंता पकड़ रही है तो व्यापार आपका महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है, और महत्वाकांक्षा से जुड़े हुए व्यक्तित्व के लिए बीइंग के सूत्र की बात बिल्कुल बेकार है। बीइंग उसकी पकड़ में बिल्कुल आएगा नहीं। जब बीइंग से थक जाएगा, जब बाजार से थक जाएगा, बुरी तरह थक जाएगा और जरूरतों पे आ जाएगा, महत्वाकांक्षा मर जाएगी और जरूरतें रह जाएंगी, अपने आप पलट जाएगा, उसके लिए कोई बहुत बड़ा उपाय करने की जरूरत नहीं रहती है। क्योंकि खास बात यह है कि आदमी बीमार कितना, अवस्था तो उससे देखी जाती है कि आपको बीमारी कितनी बड़ी लगी हुई है। अगर आपको जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है उतनी बड़ी बीमारी लगी हुई है। अब उस बीमारी का इलाज आप कोई दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं कि बीइंग में आ जाए तो मजा भी करते रहे और महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती रहे, बाजार में खूब दौड़े और रहे बीइंग में, सब चाहते हैं। तो क्योंकि निश्चित ही जो आदमी बीइंग में जाता वो बहुत मजे में रहता है, गजब के, दो दिन में एक बार रोटी भी खाए तो चलेगा उसको, इतनी मस्ती रहती है उसको जो बीइंग में रहता है। लेकिन जिस संसार की जो दौड़ है, पूरी संसार की, अगर आप अपने लिए जी रहे हैं तो बीइंग आपको पकड़ में आ रहा है, और अगर आप सारी दुनिया के साथ होना चाहते हैं अपने को छोड़कर, बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य खुद को छोड़कर सबके साथ होने के राजी, सबके साथ होने के लिए राजी है, चाहे वो घटनाएं बुरी से बुरी हो लेकिन उनके साथ दौड़ने के लिए तुरंत राजी हो जाता है, अपने साथ राजी होने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। क्योंकि जिस बाजार में वो खड़ा है उस बाजार में ऐसी समझ नहीं होती कि अपने साथ खड़े रहोगे तो मिलेगा क्या तुम्हें, रोटी खा लोगे ज्यादा से ज्यादा, और बाजार के साथ रहो, भीड़ के साथ रहो, उपद्रव के साथ रहो तो एक उम्मीद बनी रहती है कि आप जगत को जीत लेंगे, सिकंदर हो सकते हैं आप। फिर कहानियां भी उसी तरह की पढ़ोगे कि सिकंदर को ऐसा हुआ, इसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ, वो गिने चुने लोग सबको याद रहते। लेकिन ये परम सूत्र कहता है कि जो अपने साथ जीना जानेंगे। अब आदमी बाहर के जगत में महत्वाकांक्षा की पूर्ति में भी आनंद ही ढूंढ रहा है, मजा देखिए, लेकिन वो आनंद ढूंढने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बीइंग से हटके होता है। क्योंकि आपने अगर आनंद बाहर खोजा, आपने खुशियां बाहर खोजी, तो खुशी ये संसार की बड़ी विडंबना है कि ख्यालों में ऐसा लगता है कि ऐसा काम हो जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। जो खुशी आप बाहर से मांग रहे हैं वो ऐसी है जैसे आटे पर कांटा होती है, दिखाई तो देगा आटा और गले में अटकेगा कांटा। मनुष्य को कोई आदमी दुखी नहीं कर सकता अगर उसके अंदर सुखी होने की चाह ना हो। सुखी होने की चाह से दुख उत्पन्न होता, दुख किसी के जीवन में नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है और उसने आपके अंदर अपना तत्व भर दिया है, आत्म तत्व, और आत्म तत्व हमें
हमेशा आनंद की झलक देता है आपके लिए, तो आप दुखी कैसे हो सकते हैं? दुख हम मांगते हैं सुख मांग के, दुख तो कोई सीधा मांगेगा नहीं। ये माया ऐसा खेल खेलती है, गजब का खेल खेलती है कि ऐसा लगता है व्यक्ति को कि वो सुख मांग रहा है। क्योंकि कोई भी आदमी यहां अपन सब लोग बैठे, कोई दुख मांगेगा क्या? और मैं कहता हूं कि जो दुख मांगे वो आदमी दुखी नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि दुख का तो अस्तित्व ही नहीं है, मांगोगे कहां से? सीधा दुख आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप अगर दुख की महत्वाकांक्षा करें कि मुझे दुख मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा से भरे आप, आपके जीवन में दुख कभी नहीं आएगा, क्योंकि दुख का अस्तित्व नहीं है। दुख जो है प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। जब हम सुख की कामना करते हैं और सुख की कामना में जो रोड़े आते हैं उससे दुख पैदा होता है। अब सुख की कामना न की हो आपने, आपके जीवन में सीधा दुख आ नहीं सकता, क्योंकि दुख का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। संसार का एक जीव भी दुखी नहीं है, मनुष्य को छोड़ के कोई जीव दुखी नहीं रहता, क्योंकि सब जरूरत के हिसाब से जीते हैं, वो सुख मांगते नहीं है। कोई जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कोई जीव सुख की कामना से नहीं भरे हुए, क्योंकि वे जीते हैं अपने स्वभाव में, उन्हें भले ही पता ना होता और बड़े सुखी रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी मांग ही सुख की नहीं है। तो दुख भी आ जाए तो हमें लगेगा कि बड़ा दुखी हो रहा कुत्ता, कुत्ता बिल्कुल दुखी नहीं हो रहा, रत्ति भर नहीं हो रहा। दुख का सीधा कोई अस्तित्व ही नहीं है, कहां से दुखी होगा? वो अपने स्वभाव में सुखी है, बड़े मजे कर रहा है, भोंक लेगा, काट लेगा, दौड़ जाएगा, खेल लेगा बच्चों के साथ, सो जाएगा, सब उस तरह से चलता है उसका। मनुष्य के अंदर और पशुओं के अंदर जो भेद पैदा हुआ वो चेतना का भेद है। मनुष्य में चेतना जागृत हो गई, जागृत इसलिए हो गई कि जो सुख लेके तुम पैदा हुए हो, क्योंकि किसी को सुख की पहचान नहीं है। जो स्वभाव था, जो आत्म तत्व वाला सुख, आत्म सुख, आत्म सुख किसी के भीतर पड़ा है, उसका उसे पता नहीं है। तो क्या घटता है, जैसे ही हम मनुष्य की देह में आते हैं तो हमारे अंदर मन रूपी चेतना का जन्म हो जाता है, विचार रूपी चेतना का जन्म होता है, और यही हमको मुक्त करेगी और यही बाधा डाल रही है। जब चेतना जागती है तो उसके अंदर एक भाव जागता है कि मैं सुखी हो जाऊं, वो सुखी होना चाहता। अब सुखी होने की चाह में संसार का पूरा पसार होता है। अगर मनुष्य के भीतर सुखी होने की चाह मिट जाए तो ये संसार की सारी दौड़ खत्म हो जाएगी, ये कुछ बचेगा ही नहीं, वो दौड़ेगा नहीं, वो जिएगा। और अगर सुखी होने की चाह बनी है तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी और सारी जिंदगी दौड़ता रहेगा। कारण कि सुख आपका स्वभाव है, वो बाहर से मिल नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं है। बाहर से आपकी सुख की कामना दुख को लपेट के लाती है। ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल है दुनिया में जिसने सुख की कामना की हो और दुख ना पाया हो अंत में। क्यों? कामना करते ही आप बींग से हट जाते हैं, आप बींग में नहीं रहते, क्योंकि आपके अंदर कामना पैदा हो गई। और जो मैंने शुरू में कहा, जरूरत, जरूरत के लिए परमात्मा ने चींटी से लगा के हाथी तक के लिए एक इंटेलिजेंस दिया, एक गजब की प्रतिभा दी है कि चींटी अपना काम कर लेती, हाथी अपना काम कर लेता। तो जब चींटी और हाथी, जिनको बिल्कुल समझ नहीं होती अपना काम, हमारे लिए तो अच्छे बुरे की पहचान भी है। अच्छे बुरे की पहचान किसी को नहीं है, ये जीव जरूरत भी नहीं है अच्छे बुरे की पहचान की, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वे तो जिस गड्ढे में बैठे हैं उसमें राजी है,
तो बिल्कुल अच्छे बुरे की पहचान चेतना के आने से आई। जब हमारे अंदर चेतना जागृत हुई मन रूपी, तो ये बुरे को बुरा जानती है और अच्छे को अच्छा जानती है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया सुखी होने की, उसमें वो अंधा हो जाता है। महत्वाकांक्षा आदमी को करती है अंधा, और अंधा आदमी अगर दौड़ेगा तो हाथ पैर तोड़ेगा निश्चित ही, पहुंचेगा कहीं भी नहीं। लोह लुहान होगा, कितनी दूर जाकर होगा, कोई 4 कदम चलेगा, कोई 6 कदम चलेगा, कोई 10 कदम चलेगा, और आखिरी में तो लोह लुहान होकर ही लौटना है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि तो महत्वाकांक्षा एक इतनी ब्लाइंड वृत्ति है सभी के भीतर, जिसका कभी अंत नहीं होता। भगवान कहते हैं वासना दुष्पूर है, और समस्त वासना में महत्वाकांक्षा घुसी रहती है। महत्वाकांक्षा ना हो तो एक तरह की वासना भी आपको परेशान नहीं कर सकती, चाहे आप काम वासना की तरफ जा रहे हैं, वो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, चाहे धन की, चाहे पद की, चाहे और जैसी जैसी बातों की। तो आपकी जीवन की पूरी शैली गलत है, क्योंकि जिस सुख को लेके हम पैदा हुए, आप देखो जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर वो चेतना जागृत नहीं होती, कुछ होने की कुछ पाने की जागृत नहीं होती। आप देखना खेल, वो सुखी है, उसे सुखी होने की वासना पैदा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो स्वभाव से सुखी पैदा हुआ है। बड़ा विचित्र खेल है, और वो चूंकि स्वभाव से सुखी है तो हम उसे देखते तो हम सुखी हो जाते हैं। हमने जैसे ही उसे हाथों में लिया और उसे देखा, क्या चमत्कार घटता है कि हम बच्चे को देखते हो तरोताजा हो जाती, मजा आ जाता। कारण क्या है कि वो बीइंग में जी रहा है, और आप जब उसको गौर से देखते हैं तो आपको अपने बीइंग की झलक आ जाती है, क्योंकि आप भी कभी उस बीइंग में थे, उसी स्पेस को जी रहे थे। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे बड़ा हुआ और उसके अंदर उसके चित्त में एक बात पैदा हो गई कि मुझे ये चीज चाहिए, बच्चे बड़ी जिद करने लगते, माँ बाप को थका देते, और जैसे ही उसके अंदर ये बात ख्याल में आ गई कि मुझे ये चीज, वहीं से उसके अंदर दुख पैदा हो जाता है। और ये जो खिलौना पाने की आदत बच्चे को लगी है, रो रो के खिलौना लिवा रहा है कि मुझे तो ये खिलौना चाहिए, आप चलो ही दुकान पे, वो अर्थी तक खिलौना ढूंढता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर पहली प्रति गलत आ गई कि मुझे खिलौने से सुख मिल जाएगा। तो अब वो खिलौने के सुख के चक्कर में जो स्वभाव से सुख था, आप देखो बच्चे जब बड़े होते हैं तो आप उनके पास बैठ के देख लो, आपको मजा नहीं आएगा। जो छोटे बच्चे के पास, जो बच्चा अपने बींग में बैठा है उस बच्चे के साथ जितना आपको मजा आता है, और जो बच्चे ने अपना बींग छोड़ दिया है और पूरी महत्वाकांक्षा वाले बींग में आ गया, वो बच्चा आपको सिर्फ सताने का काम करेगा, तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकता है, तुम्हें ऐसे ऐसे तरीकों से सताएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि शुरू शुरू में तुमने क्या किया था कि उस बच्चे के साथ सुख की कामना कर ली थी, और सुख मिला भी था, क्योंकि वो बींग में नहीं था, वो बींग में था, वो महत्वाकांक्षा वाले बींग में नहीं था, तो आपको गजब का सुख मिला। अब वो सुख की कामना आपके अंदर जाग गई उसके साथ, वजह देखिए वो कहां से जागी, बचपन से, बिल्कुल छोटा था बच्चा। जब बच्चा छोटा था तो माँ बाप को ऐसी कामना जाग जाती है सुख की, पूरी अपेक्षाएं उस पर लगा देती, पूरी महत्वाकांक्षाएं उस पर लगा देती, क्योंकि वो हाथों में उसने बड़ा सुख दिया था, बहुत आनंद दिया था। लेकिन केमिस्ट्री क्या थी ये किसी को पता नहीं लगता, विज्ञान ये था वो बींग में जी रहा था, बच्चा तो वही है। फिर क्या हो गया, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ थका देता है, दादा दादी को शुरू शुरू में अच्छा लगता, और जब वो नचाता है, उन्हें थकाता है, अपनी इच्छाएं पूरी करवाता है, तो मैंने कई दादियों के मुंह से सुना है कि हम तो इतने थक गए
इतने थक गए जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर वही बच्चा अगर 4-6 घंटा घर में ना रहे तो मजा आता, 4-6 घंटे स्कूल चला जाए तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि स्वर्ग में आ गए, क्योंकि वो सिवा सताने के कुछ कर ही नहीं रहा, उसके अंदर जागी है महत्वाकांक्षा, वो ये चीज मांगेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा, आपको परेशान कर देगा, क्योंकि वो बींग से हट गया। और प्रकृति का एक खेल है कि पहले आपको बींग से हटना ही पड़ेगा, लेकिन कितनी उम्र तक, कब सीखेगा आदमी, क्यों, कि अगर आदमी बींग से हटेगा नहीं तो बींग को पहचानेगा नहीं, वो जरूरी है। बच्चा अगर बींग में ही पड़ा रहे तो कभी बींग को नहीं पहचान पाएगा, कोई उपाय नहीं है, उसे बींग से बाहर आना ही पड़ेगा, उसे उपद्रव करनी पड़ेगी। सारे उपद्रव करके उसको जीवन में क्या मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, सिवा दुख के मेरे देखे जिंदगी में कुछ मिलता नहीं। और मूल कारण सुख की चाह कि हमें कुछ मिल जाए बस, और मिल जाए तो ऐसे हो जाएंगे हम। और कई सालों से मैं लोगों को देख रहा हूं, बहुत कुछ मिल गया जैसा सोच रहे वैसे तो हो ही नहीं पाए, क्योंकि वो घड़ा उस तरह से भरता ही नहीं है, वो बिना पैंदी का, वो दिखता है कि कुछ हो जाएगा लेकिन होता होता कुछ नहीं, जब आंख उठा के देखता तो खाली पाता, क्योंकि मामला सुखी होने का उस सेंटर पे बिल्कुल नहीं, जिस सेंटर पे हम ना, तो सारी समझ को हमको बदल लेनी है पूरी। तो ये समझ तो जब ही बदली होगी थोड़ी सी, कि आदमी भीड़ के हिसाब से ना जिए, प्रत्येक आदमी को जिंदगी जीने का अधिकार है, जीना चाहिए और मजे से जीना चाहिए, लेकिन जो सब जी रहे हैं वैसे नहीं जीना चाहिए, जो सब मांग रहे हैं वो नहीं मांगना चाहिए, जो दुनिया मांग रही है अगर वही मांग तुम्हारी है तो दुनिया के सारे दुखों के साथ जुड़ गए आप, प्राण खाएगी दुनिया आपके, मांगो रहो दुनिया जो चाह रही तुम भी चाहो, और किसी के हाथ कुछ नहीं लगता दुख के अलावा। तो जिंदगी भरपूर जियो लेकिन अपने ढंग से जियो, जो लोग कर रहे हैं वो मत करो, जिस तरह से लोग अनुभव कर रहे हैं उस तरह से अनुभव ही करना बंद कर दो, आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से संवारो। एक बात है, बड़ी बगावत है और बगावती ही कहीं पहुंचते हैं, जे जिस ढंग से चलते पूंछ हिलाते एक दूसरे के पीछे कहीं नहीं पहुंचते, कभी नहीं पहुंचते। तुम आश्चर्य करोगे, मेरी एक बात सुनो, जिस बेटे के बाप का धंधा और बेटे का धंधा एक हो, वो बेटे में रीढ़ कभी पैदा नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि वो बेटा कभी हुआ ही नहीं जो बाप का धंधा कर रहा है, क्योंकि बाप आखिरी तक परेशान करेगा उसे, वो तो आखिरी तक सलाह ही देता रहेगा, उसे स्वतंत्र छोड़ नहीं सकता। और हम तो अकेले, बाप ने हमारे तो पता नहीं कितने लोग हैं, कितने लोगों के हिसाब से चल रहे हैं, हम बाप के हिसाब, बाप की नकल नहीं कर रहे, हम तो पता नहीं कौन कौन की नकल करने तैयार खड़े, अकेले बाप की नकल में पीड़ा है। अगर वही धंधा तुम्हारे हाथ लग गया तो दुर्भाग्य, तुम्हारे अंदर चेतना कभी पैदा नहीं होगी, गोदी में पड़े रहोगे, क्यों नहीं होगी, कि तुम उतने दुखी नहीं हो पाओगे, और बिना दुखी हुए संसार की समझ नहीं आती। तो जब बेटा बाप का धंधा करता है तो उसके पास अपनी समझ की जरूरत ही नहीं पड़ी, उतने चैलेंज भी नहीं आए, वो सब बाप समझाता रहता कि उसने बहुत पापड़ बेले, वो अनुभव देता रहता, तो एक काम तो हो जाता कि जिंदगी सरलता से निकल जाती, भाई कपड़े की दुकान पे अपन भी बैठ गए, पिताजी बैठे थे, लेकिन तुम कभी पैदा ही नहीं हुए, तुम्हारे पिताजी पैदा हो गए बेटा बन, तुम पैदा तो नहीं हुए, पक्की बात मानना। तो मैं तो सलाह देता हूं कि कभी भी बेटे को अपना धंधा मत बताना, अगर तुम्हें सच में प्रेम है, सच में प्रेम है, अपने बच्चे में प्रतिभा देखना चाहते हो, प्रतिभावान देखना चाहते हो बेटे को, तो आप अपनी सलाह बंद कर दो,
उसे छोड़ दो, उसके ऊपर रगड़ दे दो उसे दुनिया, उससे मिलेगा उसे दुख। सफलता असफलता वाली बात तो बेकार की बात, सिवा दुख के कुछ नहीं मिलेगा। और बाप की गोद में इतना दुख नहीं मिलता, क्योंकि तो बाप की गोद पीछे लगी है तो इतना चैलेंज भी नहीं लेता है, लेता भी है तो पिताजी संभाल ले। तो रीढ़ खड़ी नहीं होती, रीढ़ आत्मा पैदा नहीं होती उसके अंदर, आत्मा उन्हीं के भीतर पैदा होती है जो चैलेंज स्वीकारते, जो बगावती होते, अपने ढंग से जिएंगे, ना दुनिया के ढंग से जिएंगे ना मां बाप के ढंग से जिएंगे, अपने ढंग से जिएंगे। उनके अंदर आत्मा, और फिर धर्म की लाइन में, ये तो मैं थोड़ी संसार से मिला के बात, धर्म की लाइन में तो किसी की सुनना ही मत। अगर तुमने किसी की सुनी तो तुम में आत्मा पैदा होगी नहीं, किसी की नहीं सुनना। जब किसी की नहीं सुनोगे तो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम सुन पाओगे। आत्मा तो बहुत बार आवाज देती है, लेकिन तुमने इतने लोगों की सुन ली है, वे दुकानदार इतनी सलाह दे देते हैं तुम्हें कि आत्मा की बात तुम्हें तुम तक आती ही नहीं है, और तुम दूसरी बातें सुनकर, और उनसे संतोष कभी नहीं मिलेगा, उनसे जीवन में आनंद नहीं मिलने वाला। आनंद तो जब मिलेगा जब तुम तुम्हारी आत्मा की आवाज के हिसाब से जियोगे। तो सूत्र जो है, अब पंपिंग आ जाएगा, बिल्कुल आप बाजार में खड़े हो जाओ, लोगों के हिसाब से ना जियो, अपने हिसाब से जियो, तो आप बींग में खड़े, आप बींग में बाजार डील कर सकते, लोभ के कारण नहीं, आप खड़े होने का मजा लेने के कारण खड़े, आप बाजार का मजा ले रहे हैं, क्योंकि बाजार बुरी चीज नहीं है, कोई चीज बुरी नहीं है। अगर आपने चुनाव बींग का किया है तो बाजार आपके बींग को उगाड़ेगा और मजबूत करेगा, आप थक कर नहीं लौटोगे बाजार से, मजेदार होकर लौटो, बहुत मजेदार। कबीर भी बाजार में जाते थे, कबीर खड़ा बाजार में, वो बिल्कुल जाता था और लौटता ऐसे था मजे से भर के कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि बाजार में हम महत्वाकांक्षाओं के साथ, बींग के साथ कैसे रहें, जो असंभव है, हो नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, आज तक नहीं हो पाया, ये पहेली आज तक हल नहीं हो पाई है। और जिनकी हुई है वो उन्हीं लोगों की हुई है जो अपने ढंग से चले, अपनी बात मान के चले, चाहे कितनी कुर्बानी करना पड़ी हो और कितना ही संघर्ष रहा हो, लेकिन रीढ़ खुद की पैदा की। तो ऐसा आदमी अगर संसार में सफल भी नहीं हो पाता तो भी सफल होता है, मैं कहूं क्यों, कि उसने कुछ कमाया है, अपना अपना कमा, अपनी पूंजी खड़ी की है, चाहे दो पैसे खड़ी की हो, लेकिन अपनी पूंजी खड़ी की है। और अपनी पूंजी खड़ी करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, दूसरे की पूंजी काम में आएगी नहीं, क्योंकि उस पूंजी से सुख नहीं मिल सकता है, कोई उपाय नहीं है, ऐसा खेल है। तो जिनने प्रश्न पूछा है उनने क्या समझ के पूछा है, लेकिन उसका सही उत्तर यह है कि आप जीना सीखो पहले, और जीना सीखने का मतलब यह है कि जो भीड़ चल रही है वो चाल हमें नहीं चलना। पहला सूत्र, मां बाप का धंधा नहीं करना, जिंदगी काटना हो तो कर लो, रीढ़ खड़ी नहीं होगी, सरलता से निकल जाएगा काम, और इतनी रीढ़ किसी में नहीं होती तो गोद में ही बैठ जाते कि वही काम हम कर लेते। दूसरा सूत्र, भीड़ की बात नहीं मानना, भीड़ जो कर रही है, भीड़ जो देख रही है वो हमें नहीं, हमें देखना हमारी जरूरत क्या है, हमें कहां से क्या खड़ा करना, मौका दो अपने को, मौका, और परमात्मा बैठा है तुम्हारे अंदर, इतना भरोसा करो। लोग इतने जल्दी टूट जाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते असली में, इतने गैर भरोसे में जीते हैं, इतने गैर भरोसे में, उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है कि उनके भीतर परमात्मा बैठा है। सारे संत कहते हैं कि परमात्मा है तुम्हारे भीतर, और सब समा रहे, तुम अपने ढंग से जीना शुरू कर दो तो वो तुम्हें तुम्हारी नियति में पहुंचा देगा, और दुनिया तुम्हारी नियति में नहीं पहुंचाएगी, कुगति में पहुंचा देगी।
अगर दुनिया के हिसाब से चले तो दुनिया ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां वो खड़ी है। वही खेल में आप रेले में शामिल हो जाओगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। और अपने ढंग से चलोगे तो हार भी जाओ तो भी जीते माने जाओगे, क्योंकि आपने कुछ पैदा कर लिया और वो इतना मजा देता है, इतनी शांति से सोलाता है जिसका कोई हिसाब नहीं, ऐसा ये सूत्र कहता है। अब किसी और का प्रश्न है। बाबा जैसे हमारा परिवार है तो वो तो कई बार हमें बहुत बंधन लगता है और हमें वहां रहना भी पड़ता है, तो हम उसको कैसे जी? पहली बात ये है कि तुम्हारा परिवार है, किसने कहा तुमसे, किसने कहा? क्योंकि हम वहां पे रहते हैं, सब हमारे साथ होते हैं। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है और तुम कह रहे हो तुम्हारा परिवार तुम्हारा है, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक धोखा है। तो तुम कहते हो कि परिवार तुम्हारा है, अगर तुम्हारी आत्मा के अलावा कुछ भी तुम्हारा है तो वो दुख देने के लिए है। आत्मा के अलावा कोई भी चीज को अगर तुम कहते हो कि ये हमारा है, वहां बर्छियां लगेंगी आपको, वहां से आनंद नहीं मिल सकता। खुशी होने का भ्रम पैदा होता है। असली में क्या होता है, ये परिवार वरिवार से हम क्यों चिपक जाते हैं? हमारे जीवन में एक दुर्घटना घटी, वो ये दुर्घटना घटी मनुष्य के जीवन में, जितने प्राणी हैं इस जगत में इनका किसी का परिवार नहीं, इनके पास स्मृति का जो खेल है वो बहुत छोटा है। किसी के पास 4 महीने का, किसी के पास 6 महीने का, कुत्ता बिल्ली ज्यादा से ज्यादा 6 महीना स्मृति रखते हैं, 6 महीने बाद वो भूल जाते हैं कि हमारे भी कोई बच्चे हैं, बच्चे भी भूल जाते हैं कि हमारे भी कोई मां बाप है। स्मृति का खेल है। मनुष्य को परमात्मा ने स्मृति का खजाना भर दिया। मनुष्य के भीतर पूंजी भी कहो सबसे बड़ी तो वो स्मृति है। स्मृति बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, सबसे ज्यादा अनुभव उसमें क्या है कि तुमने शुरू से जब से तुम पैदा हुए एक सुरक्षा का कवच पहन रखा है, क्योंकि गोद में पले, मां के साथ बड़े हुए, अब वो सुरक्षा का कवच की जरूरत थी, क्योंकि मनुष्य का बच्चा जितना असहाय है उतना किसी पशु पक्षी का बच्चा असहाय नहीं है। चिड़िया मर जाती है, बच्चे जी लेते हैं, कुत्ते मर जाते हैं, पिल्ले जी लेते हैं, उनमें ऐसी स्टैंडिंग हो जाती, 3-4 दिन का पिल्ला अपना कुछ कर लेता है, हो जाता है कुछ। मनुष्य के बच्चे को प्रकृति ने इतना असहाय पैदा किया है कि अगर बच्चे को सहारा ना मिले तो वो 3 दिन के अंदर अंदर मर जाएगा। 3 भी बहुत हो गए, बच्चा पैदा होगा अगर उसे सहारे की जरूरत ना पड़े, मतलब सहारा ना मिले, तो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता है, मर जाएगा। ये प्रकृति का खेल है। तो प्रकृति में ही जो वातावरण बनाया गया कि एक परिवार बना, मनुष्य को परिवार की बड़ी जरूरत है, कि बच्चा परिवार में ही बड़ा हो सकता है, परिवार का उसे सपोर्ट चाहिए, बिना सपोर्ट के बच्चा पैदा नहीं। तो क्या हुआ कि उसे सपोर्ट की एक आदत है, बच्चे को सपोर्ट की गजब की आदत पड़ी हुई है,
और वो बहुत दिनों तक रहती है। वो इस आदत के बाहर नहीं जा पाता। फिर परिवार पहले जरूरत थी और बाद में मोह बन जाता है कि जिस चीज ने तुम्हें बचाया वो बड़ी मूल्यवान है भाई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचाया, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, जिन लोगों का बच्चों पे प्रभाव रहा है उन सबसे बेचारा गरीब बन जाता है बच्चा, क्योंकि सपोर्ट मिला। और सपोर्ट मिला तो बंधोगे आप, जिससे भी सपोर्ट लोगे उसकी सुन्नत पड़ेगी आपको, उससे बंध जाते हैं आप, निश्चित ही बनते हैं। फिर जैसा वो कहेगा वैसा आपको भी करना पड़ेगा, ऐसा हो जाता। ये प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं। तो बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक सौभाग्य है और एक दुर्भाग्य है। सौभाग्य जो है कि उसकी स्मृति बहुत पावरफुल है, बचपन से जो जो उसके साथ घटा है, जिन जिन ने जो जो उसके साथ व्यवहार किया है, वो सब स्मृति उसके पास है। ये किसी पशु पक्षी के पास नहीं, मनुष्य के पास है। तो वो स्मृति उसे खबर देती है, माँ बाप है तुम्हारे, घर है, परिवार है, इनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, तो आपको भी उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। ये आपकी स्मृति आपको कहती है, अब आप स्मृति के हिसाब से जीना शुरू करते हैं। अब आपका जीवन यहां से शुरू होता, आप सुरति से नहीं स्मृति से जीते। फिर हम बिल्कुल आखिरी जिंदगी के जो भी क्षण होते हैं, हम जे स्मृति से जीने की आदत को तोड़ नहीं पाते। हमारे अंदर जो एक असुरक्षा का भय, सुरक्षा की वजह से असुरक्षा का भय कि मां मर जाएगी तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, बेटा मर जाएगा तो हम असुरक्षित हो जाएंगे, तो वो मरे कि ना मरे लेकिन मर ना जाए इसका जबरदस्त ख्याल बना रहता है कि मर ना जाए। अब जो मोह वहां से पैदा हुआ, उधर से पैदा हुआ, तुम्हारी स्मृति से आया, वो पड़ा हुआ है, तो हम इतने ज्यादा फंस जाते हैं, इतने ज्यादा फंस जाते हैं, इस परिवार के जाल से निकल नहीं पाते, कोई उपाय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परिवार में से भागना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन परिवार के साथ भय के कारण आप रह रहे हैं, मोह के कारण आप रह रहे हैं, तो आप अपने ऊपर हिंसा कर रहे हैं और परिवार के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। तुम आश्चर्य करो, अगर आप भय के कारण परिवार में हैं और मोह के कारण, ये दोनों चीजें एक ही होती है, मोह से ही भय आता है और भय से मोह पैदा होता है, अगर भय और मोह के कारण आप परिवार में हैं तो आप परिवार के साथ गजब की हिंसा कर रहे हैं और परिवार आपके साथ हिंसा कर रहा है। बड़ा सूत्र पहना है जो बिल्कुल ख्याल में नहीं आता, नींद उड़ाने वाला सूत्र है। आप सोचते क्या है कि परिवार हमारा हित कर रहा है, या ये सोचते कि हम परिवार की रक्षा कर रहे हैं, आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। एक अवस्था के बाद अगर संबंध भय और मोह का है तो आप किसी को मीठे शब्दों में दुखी कर सकते हैं। शब्द आपके मीठे होंगे, तरीका आपका बहुत सुलझा हुआ होगा, लेकिन आप ऐसी पायसी गो में जी रहे हैं कि तुमसे पायस वायलेंस निकल रहा है, तुम हिंसा कर रहे हो। अगर तुम सच में प्रेम कर रहे हो तो तुम्हें इतना आनंदित हो जाना चाहिए। अगर हम सच में किसी से प्रेम करते हैं तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तुम आश्चर्य करो, प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम मुक्ति है। कभी कभार कोई गुरु से प्रेम कर पाता है और जिसको गुरु से पूरा प्रेम भर जाए वो गुरु से मुक्त हो जाता है, बनता नहीं है।
परमात्मा से प्रेम हो जाए तो परमात्मा से मुक्त हो जाता है, बनता नहीं। परिवार से प्रेम हो जाए तो आप परिवार से मुक्त हो जाए। अभी आपको ऐसा लगता है कि आप परिवार से प्रेम करते हैं, ये इतनी बड़ी भ्रमणा है जिसके कारण कोई आपसे बंधे और जिसके कारण आप किसी चीज से बंधे उसे आप प्रेम समझते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो है हिंसा। थोड़ी कड़वी लगेगी मेरी भाषा, लेकिन मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि हिंसा के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। शब्द मीठे होते हैं, तरीके बड़े चतुर होते हैं, लेकिन करते तो हिंसा है, मीठी हिंसा है। और ये हिंसा कुछ मिठास लिए है तो आपको उतनी पीड़ा नहीं दे पा रही जितनी पीड़ा में आपको जाना चाहिए। लेकिन अभी तो बुद्धि लोगों की काफी जाग गई है, अभी जो चतुराई माँ बाप की चले गई नहीं जाता थे, जब नई जनरेशन में बच्चे इतने चतुर हो गए तो वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे पिताजी कर क्या रहे हैं और मुंह पे कहेंगे कि हिंसा कर रहे हैं मुंह पे। अभी जमाना आ ही गया है क्योंकि बहुत बुद्धि डेवलप्ड हो गई है, तो वो चतुराई तुम्हारी समझ लेगी कि आप कर क्या रहे हैं और बगावत करेंगे बच्चे, निश्चित बगावत करेंगे। तो आप कह रहे हो कि हमारा परिवार है, ये है वो, मैं प्रेम के बाहर की बात नहीं कह रहा हूं। प्रेम मर जाए किसी के जीवन से तो उसने आत्महत्या कर ली अपनी, प्रेम मर जाए और मोह बना रहे तो उसने आत्महत्या कर ली। और मोह जो है ऐसी चाशनी है प्रेम की, ऊपर ऊपर चढ़ी रहती है और जैसे ही गले में गई सिवा कड़वाट के कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि ऊपर की चाशनी आलू बुखारे पे चढ़ा दो रसगुल्ला थोड़ी हो जाएगा, दिखेगा जरूर कि रसगुल्ला है, कलर भी वही, चाशनी भी चढ़ी और जीभ से लगाओगे तो मीठी भी लगी तो समझे कि नहीं यार रसगुल्ला, जब जैसे मुंह में लगा दो खट्टा निकले और ही स्वाद निकले। ये सब चीजें ऐसी ही है। तो परिवार जो है प्रेम से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ना चाहिए और हम सब इकट्ठे प्रेम के कारण है। लेकिन ये हमारा प्रेम नहीं है, उसका प्रेम। देखो हम सब इकट्ठे बैठे किसके प्रेम के कारण, एक सदगुरु का प्रेम, उसके प्रेम की क्षमता देखिए। हम घर में चार लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, दिन में चार आठ बार तो तू में हो जाती है। और यहां बरसों लोग रहते और सौ सौ दो सौ लोग इकट्ठे हो जाते, किस कौन सी चीज बांधे, प्रेम बांधे, तुम्हारा प्रेम नहीं उसका प्रेम, क्योंकि वो प्रेम को जानता है, तुमने सिर्फ उससे जुड़ गए और तुम्हें पता नहीं है कि जाने अनजाने वो तुम्हें कितना जला रहा है, प्रेम को जुला रहा। और हम बनते भी नहीं है, प्रेम को जीते हैं, जब साथ होते तो साथ होते, नहीं होते तो नहीं होते। आप चले गए हम चले गए, जी इतने लोग बैठे हुए सब अलग अलग हो जाएंगे, कुछ लेना देना नहीं है। और इकट्ठे रह रहे तो देखो क्या मजा आ रहा, कारण क्या है, ये सबको जोड़े हुए है प्रेम। और उसी की वो बात कहते हैं कि परिवार में रहो लेकिन प्रेम के कारण रहो, मोह के कारण नहीं। क्योंकि परिवार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मोह के कारण पैदा होती है, प्रेम के कारण नहीं। आप किसी का भी ख्याल करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा ना हो जाए वैसा ना, ये प्रेम के कारण चिंता होगी क्या, मोह के कारण होती है। जितना ज्यादा मोह होगा उतनी ज्यादा चिंता होगी और नेगेटिव विचार आएंगे, क्योंकि जिस चीज को तुम पकड़ना चाहते हो तो प्रकृति क्या करती है, अगर तुम डंडे मारती है तो उसका नेगेटिव सूत्र देती है कि मर ना जाए यार बेटा, क्योंकि तुम बेटे के मोह में हो तो प्रकृति पीड़ा दे रही है तुम्हें, डायरेक्ट बेटा नहीं दे रहा लेकिन कारण तो बेटा ही है। और बहुत गहरे कारण तुम्हारा मोह है, बेटा भी नहीं,
और तुम्हें गजब की पीड़ा देता रहता। सपने भी गलत आ जाए तो फोन करोगे सवेरे, किसी और की घटना घटती हम तुरंत अपने घर फोन कर लेते, घटना कोई और को घटी, इतना नेगेटिव जीना मोह के कारण। और मोह ना हो, अगर प्रेम हो तो चिंता नहीं, प्रेम में चिंता नहीं है, प्रेम में तो आनंद है। तो परिवार में रहने की बात तो बड़ी अच्छी बात है, रहना चाहिए। इससे अच्छा सौभाग्य क्या है कि तुम्हें परिवार मिला, यह भी तो एक परिवार है। हम अगर ओसों से नहीं जुड़ते तो यह परिवार मिलता क्या? यह परिवार मिला है हमें जीने के लिए, अद्भुत परिवार मिला है कि नहीं? और जो परिवार आपको मिला है वो भी प्रेम के लिए मिला है। अब उसने तुम मोह के कारण क्या है कि पकड़ने छोड़ने में लग गए, कि तुम उससे बंध गए, पति पत्नी से बंधा है, पत्नी पति से बंधी है, अब उसे वो प्रेम कहते हैं। बंधन में तो भय होगा और धीरे धीरे करके घृणा होगी। एक परिवार से मेरी बातचीत हुई थी तो वो कह रहे थे कि अब ये स्थिति आ गई है कि हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, मुंह देखने का मन नहीं होता है और रहना पड़ता। आप देखिए ऐसी सबकी स्थिति आ जाएगी, एक अवस्था में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मोह जो है इतना सताएगा कि आप हट भी नहीं सकोगे और रह भी नहीं सकोगे। ऐसी स्थिति है बच्चों के साथ भी, आप हट भी नहीं सकोगे और रह भी नहीं सकोगे, क्योंकि मोह के संबंधों में तो यही होने वाला है। और प्रेम के संबंध अगर आपके हैं तो बात और है, परिवार का गजब मजा है। क्योंकि सच में चार आदमी भी आपके प्रेम में हो और आप चार आदमियों को भी प्रेम कर सकते हो तो आपकी जिंदगी समर गई। और वो हमें परिवार में वो मिलती अपॉर्चुनिटी, गजब की अपॉर्चुनिटी मिलती है परिवार, लेकिन हम वो अपॉर्चुनिटी को जी नहीं पाते हैं। क्योंकि ना तो हमारे पास समझ है, क्योंकि समझ तुम लिए हो भीड़ की, और भीड़ जो थोड़ी समझाएगी, भीड़ इतनी अनसठ बात समझाती है, इतनी खराब बात समझाती है जो जीवन में ना उनके काम आई और ना तुम्हारे काम आने वाली। ये समझ तो आप में पैदा होगी, कभी किसी महापुरुष के प्रसाद से आ जाती है, कभी साधना से आ जाती है, कभी सत्संग से आ जाती है, कभी अपने से आ जाती है, लेकिन भीड़ से कभी नहीं आएगी, जी ख्याल रखना। और हम भीड़ की समझ को जीते तो भाषा वही तुम बोल रहे हो कि परिवार में तो ऐसी बात है और ऐसा है। कौन नहीं कह रहा है ऐसी भाषा जो तुम कह रहा है? किसी से भी पूछते वो गवाही दे देगा, बात ठीक कह रही हो तो, और तुम उसकी गवाही दे दोगे। तो जो दुनिया के चलन में भाषा है वो जीवन है क्या? वो जीवन बिल्कुल नहीं है, वो तो अनंत यात्रा में ले जाता है, कितने जन्मों में जाकर लपट बनती है, बहुत बार जो अंगारे खड़े हो जाते हैं अगले जन्म में फिर बुझ जाते हैं, फिर खड़े होते हैं फिर बुझ जाते हैं, और फिर जाके कभी किसी जन्म में ऐसा होता है सौभाग्य कि जी भभक जाता है पूरा, उसे वातावरण ही ऐसा मिलता। और इसमें आग जलाने विपरीत वातावरण बहुत काम करता है, सहयोगी वातावरण से सुलझाता है। अभी इनकी स्थिति यह है कि इनके प्रशंसक या इनको प्रेम करने वाले इनके दुश्मन हो जाते हैं, और इनके चुटकी लेने वाले इनके दोस्त, जो चुटकी ले उन्हें मित्र मानना और जो प्रशंसा करे उनके हाथ ही जोड़ लेना, क्योंकि वो अगले जन्म तक फेंक देंगे आपको। ये मैं होशियार कर रहा, अगर बहुत लंबा है तो प्रशंसा का मजा लो, दूसरे लोग तो अंगारे की चमक को देख के भी कहेंगे क्या चमक है यार, कहते ही नहीं, लेकिन वो चमक आपको मार डाले। वो इस अंगारे को थोड़ा सा ठंडा कर रही, क्योंकि आप जलते हुए भी हैं सब कुछ, लेकिन अंगारे से ही राजी होने लगे कहीं गहरे, समझना मेरी बात। तो मैं अपनी सभा पूरी करूं, शायद बात पूरी हो गई। तो पुनः आज मैं बधाई देता हूं नए साल की, और आज कुछ ऐसा संकल्प लो, ऐसा कुछ संकल्प लो
अपने ढंग से जीने का संकल्प लो। अभी तक आज से इस मिनट से पहले तक तुम अपने जैसे जीने का संकल्प में नहीं थे, और आज मित्रों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने जैसे जीने का एक संकल्प पैदा करो अपने ढंग से, कि जिएंगे तो अपने ढंग से जिएंगे, चाहे लुट जाए, चाहे पिट जाए, चाहे मिट जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है, जिएंगे तो अपने ढंग से जिएंगे। समझौते से जीना बंद, साधक का काम समझौते से जीना। साधु चले दुनिया चले सुडोल और साधु चले कुडोल। आप कुडोल चलोगे तो आपते तो बहुत आएंगे, क्योंकि जो भीड़ कर रही है वो तुम करो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन हासिल कुछ नहीं होने वाला। वहीं जब भीड़ खड़ी है वहीं खड़े रहो, जन्मों से वहीं कर रहे हैं। जरा साधु हो गए तो साधु की तरह, साधु की मर्यादा में जियो। किसी ने कुछ कह दिया और फिसल गए, ये साधु का लक्षण नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।